अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। अगर आप फोटो सेंसर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फोटो सेंसर क्या है और इससे कैसे वर्क लिया जा सकता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल TFA टेक्निकल फहद अब्बास को सपोर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूं। ये है मेरे पास अमरान कंपनी का एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो इसकी पावर सप्लाई जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लगाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो मेरे पास एक और सेंसर है, सिक ऑप्टिक्स का सेंसर है मेरे पास। तो ये आपको मैं दिखाऊँगा, ये 18 mm का सेंसर है। तो आप देखें, ये एडजस्टेबल सेंसर है, 4-wire सेंसर है। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो वो 4-wire सेंसर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। तो मैं इसी ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो मैं अभी अपने अमरान वाले सेंसर को अनबॉक्स कर लेता हूं। तो अभी देखें, ये 5-wire है, तो ये भी एडजस्टेबल है, इसकी हम एडजस्टिंग कर सकते हैं। ये 2 meter रेंज है इसकी, तो ये 2 meter तक जो है वो किसी भी चीज़ को सेंस कर सकता है। तो इसके साथ जो है वो एडजस्ट वेरिएबल लगा हुआ है। इसकी वायरिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सेंसर जो है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये 220 वोल्ट AC और 24 वोल्ट DC और 12 वोल्ट DC पर भी ऑपरेट हो सकता है। तो आप लोगों को चाहिए कि इसको 24 वोल्ट DC पर या फिर 12 वोल्ट DC पर ही इस्तेमाल करें। इस सेंसर की एक और ख़ास बात भी ये है कि ये सेंसर NPN टाइप पर भी काम कर सकता है और PNP टाइप पर भी काम कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लू वायर ये जो है ये नेगेटिव है और ब्राउन जो वायर है ये है पॉजिटिव की। तो ब्लू और ब्राउन जो है ये दोनों पावर सप्लाई की होंगी, चाहे आप इस पर 220 वोल्ट दें, 24 वोल्ट दें या 12 वोल्ट दें। तो ये दोस्तों आपकी मर्ज़ी की बात है, आप इसको कौन सी सप्लाई देना चाहेंगे। तो वायर तार जो है ये है कॉमन की, अगर आप इसको पॉजिटिव के साथ लगा देंगे तो हमारा जो है आउटपुट वो पॉजिटिव निकलेगा। अगर हम इसको नेगेटिव के साथ लगा देंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो नेगेटिव ही निकलेगी। तो इसी तरह जो है वो NPN और PNP हम इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रे वायर जो है ये है क्लोज की और इससे आगे जो है ब्लैक वायर वो है ओपन की। तो जो आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसके मुताबिक ही आप यूज़ करेंगे। अगर क्लोज नॉर्मली ओपन चाहिए तो नॉर्मली ओपन, अगर नॉर्मली क्लोज चाहिए तो नॉर्मली क्लोज यूज़ करेंगे। तो अभी हम इस सेंसर की बात करेंगे, ये सेंसर जो है ये 4-wire है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सेंसर जो है ये 220 वोल्ट पर काम नहीं करेगा, ये जस्ट 24 वोल्ट DC पर ही काम करेगा। तो जैसा बता चुका हूँ कि ब्लू और ब्राउन जो है ये पावर सप्लाई की है और वाइट जो है ये है कॉमन की। अगर वाइट को हम जो है वो ब्राउन के साथ लगा देंगे तो ये नॉर्मली क्लोज पर काम करेगा, अगर इसको ब्लू के साथ लगा देंगे तो ये नॉर्मली ओपन कर काम करेगा। और ये NPN टाइप का सेंसर है, ब्लैक वायर जो है ये इसकी आउटपुट की है, ये नेगेटिव ही निकालेगा आउटपुट। तो अभी हमारे पास जो सेंसर है, हम जिसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं, तो ये भी एक फोटो सेंसर है, एडजस्टेबल है। तो ये अमरान का बहुत ही अच्छा सेंसर है, तो इसके भी सेम इसी ही तरह के कनेक्शन है। तो आप दोस्तों को मज़ीद मैं आप दिखा देता हूँ कि ये भी 5-wire सेंसर है। तो देखें ये कितना प्यारा और खूबसूरत सेंसर है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 5-wire वाले सेंसर के कनेक्शन, तो ये भी उसी ही तरह सेम काम करेगा। ब्लू और ब्राउन इसकी भी पावर सप्लाई की है और वाइट जो है इसकी कॉमन है और ब्लैक कलर की जो है वो है इसकी नॉर्मली ओपन और जो है ग्रे कलर की वो है नॉर्मली क्लोज। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी जो वीडियो है ये आप दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल पर जाकर लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। आप बहुत कीमती हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।